अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं निम्बस ब्लॉग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर ऑयल की बहुत अच्छी एक टिप। बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, आप जितने भी स्किन है मैं जितने भी ऑयल हैं आप सब भूल जाएंगे, बहुत अच्छा है। वीडियो प्लीज़ स्किप ना किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑयल कैसे तैयार हुआ है। और मेरे जैसे कि गर्मियों का मौसम है, जून जुलाई का मौसम है, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, ग्रो नहीं करते, और जिनके वक्त से पहले वाइट हो जाते हैं बाल। मेरे खुद के ही मेरी बेटी के बाद बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे और इन साइड से तो मैं बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। और मैंने भी ये ऑयल इस्तेमाल किया और मैंने सोचा आज मेरे, वैसे मेरा ऑयल ख़त्म हो गया, मैंने सोचा आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ ये ऑयल। चलें देखते हैं ऑयल बनाने का तरीका। चिल्ली मैंने चढ़ा दी है जिसमें मैं ऑयल बनाऊंगी, चूल्हे को मैं जला दूंगी। ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। सरसों का ऑयल है ये, एक पाव से थोड़ा ज़्यादा है। ऑयल को आपने गरम कर लेना है, पहले आपने हाई फ्लेम में गरम कर लेना, फिर आपने लो कर देनी है फ्लेम। अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छी एक रेमेडी है, होम रेमेडी है, जो हमारी हांडी में सबसे पहले वही डलता है, तो हमारी हांडी उसके बिना अधूरी होती है हमारा खाना। आए मैं बताती हूँ। प्याज ले लिया, इसको हम कट करेंगे। प्याज को जी मैं इस तरीके से काट लूँगी, इस तरीके से नहीं आपने डाल देना, इसको आपने और भी छोटे पीस करने हैं ऐसे ऐसे करके। प्याज को आपने इस तरीके से कट कर लेना है बिल्कुल छोटा छोटा। मैं इसको ऑयल में ऐड करूँगी, ऑयल के अंदर डालूँगी। ऑयल जी मैंने अपना गरम कर लिया था, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगी। आपने ये ध्यान रखना है प्याज के पानी को आपने ड्राई करना है, प्याज को जलाना नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल भी आपका असर नहीं रहेगा। प्याज के पानी को ड्राई करने के बाद आपने इसको छान लेना है। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताऊँगी। ये देखें जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। प्याज का बस थोड़ा सा और पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको ठंडा करके एक जाल में डालूँगी। प्याज की अल्लाह ताला ने एक ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, प्याज में बहुत ज़्यादा अल्लाह ने गज़ाएँ डाली हैं। एक तो आपके बालों में फंगस हो जाए, जम्स टाइप ड्राइनेस, और ये ख़त्म करता है, फंगस ख़त्म करता है, फंगस को रोकता है। अब देखिए हमारा ऑयल इस तरीके से रेडी हो रहा है। अब मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी, अब मैं इसका ठंडा होने का वेट करूंगी। ये जो ऊपर ऐसे बबल्स बन चुके हैं ये नीचे बैठेंगे, तो फिर मैं इसको एक जार में डालूंगी, छानूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको जार में डालूंगी। आपने एक शीशे का जार ले लेना है, वो मेक श्योर कीजिएगा वो ड्राई हो। मैं आपको दिखाऊँगी शीशे का जार। ये देखिए जी, मेरे पास इस तरीके का कुछ शीशे का जार था, बिल्कुल आप सोचिएगा ये अंदर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। प्लीज़ ऑयल डालना आपने इसके अंदर, ऑयल वरना ख़राब हो जाएगा। ऑयल जी हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैं इस तरीके से एक चीज़ में छान लूँगी, उसके बाद मैं इसको जार में डालूँगी। ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको जार में डालूँगी, इसके ऊपर थोड़ी देर ये रहने देंगे, अच्छे से जो ऑयल है प्याज का असर है सारा निकल जाए, थोड़ी देर इसके ऊपर ही रखेंगे। इसके बाद ही मैं इसको एक जार में, शीशे के जार में ऐड कर लूँगी। ये एक इसमें 4 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल आपको बालों को जड़ से मजबूत करता है, आपके बालों को मोटा बनाता है। 3 इसमें जाएंगे इवियन के कैप्सूल, को मैं काट लूँगी, इस तरीके से ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये आपने अपने सर में
2 से 3 घंटे लगाना है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना। हफ्ते में आपने इसको तकरीबन 3 दफ़ा लगाना है। और जो लोग ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, एक मैं उनको बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ, एक और वो प्याज का पानी निकालें और उसके अंदर कोकोनट जो ऑयल है वो उसमें शामिल करें। जार को जी मैं बंद कर दूँगी। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि कुछ लोग जो अपने बालों में कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल लेके और प्याज का पानी निकाल के 3 से 4 टेबलस्पून अपने बालों में अच्छे से वो मिक्स करके अपने बालों में वो भी लगा सकते हैं, कॉटन के साथ और फिंगर्स के साथ लगाना है आपने, इनके साथ नहीं लगाना प्लीज़। और अगर आपको हमारी ये ऑयल की टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।